सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी। तो जैसे कि आपको पता है, वैसे मैं ये वाला बैटल पब्लिक में कराता हूँ कि पब्लिक से पूछता हूँ कि आपको कौन बेटर लगता है और क्यों बेटर लगता है। पर आज हम पब्लिक में नहीं, यही डिस्कस करेंगे कि उनकी क्वालिटीज क्या है और उनकी मूवीज कौन सी है, उनकी फ्लॉप मूवीज कौन सी है, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज क्या चल रही है। तो आज गाइज हम इन सब चीजों में बात करेंगे, तो उनके रिकॉर्ड पे बात करेंगे, तो रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पॉइंट देंगे। आप देख ही रहोगे नीचे मैंने पॉइंट देके रखा हुआ है, तो यहाँ हम उनके पॉइंट भी देखेंगे किसको ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, चलो उनकी हिट्स मूवी पर, फ्लॉप मूवीज पर, ब्लॉकबस्टर मूवी पर, लाइक उनकी एज कितनी है, लाइक मतलब उन्होंने कब डेब्यू किया था, उनकी फर्स्ट मूवीज कौन सी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि उनकी डेब्यू और उनकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी। तो गाइस जो सलमान खान है, उन्होंने डेब्यू किया था 1988 में, और जो उनकी फर्स्ट मूवी थी वो थी बीवी हो तो ऐसी। पर इस मूवी को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला क्योंकि उनकी फर्स्ट मूवीज थी। पर बाद में सलमान खान काफी हिट हो गए थे, ब्लॉकबस्टर हो गए थे, तो ताकि लोगों ने सलमान खान की फर्स्ट मूवी भी देखना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये मूवी हिट हो गई थी। तो उसके बाद करते हैं हम अक्षय कुमार की बात। तो अक्षय कुमार ने डेब्यू किया था 1991 में, और उनकी पहली मूवी थी सौगंध। जी हाँ, सौगंध उनकी पहली मूवी थी, और इनके साथ भी ऐसी हुआ कि पहले इनको कोई जानता नहीं था। जैसे जैसे ये पुराने होते गए तो लोगों ने उनकी ये मूवी भी देखनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये मूवी भी थोड़ा हिट हो गई। तो यहाँ पे डेब्यू सलमान ने पहले किया, तो सलमान को जाता भैया यहाँ पे एक पॉइंट। तो अब बात करते हैं मूवीज की, कि सबसे ज्यादा मूवीज किसने की है। तो बात करते हैं पहले सलमान खान की। तो सलमान खान ने जो मूवीज की है वो सामने आ रही है हमारे 121 मूवीज। जी हाँ, सलमान खान ने 121 मूवीज किया। और बात की जाए अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार ने वहां पे मूवी किया 149। जी हाँ, 30 डबल, मतलब 30 मूवीज ज्यादा कर रखी है यहाँ पे अक्षय कुमार ने। तो यहाँ पे एक पॉइंट जाता है यहाँ पर अक्षय कुमार को। तो अब बात करते हैं हु हैज गिवन हिट एंड फ्लॉप्स, हिट एंड फ्लॉप मूवी हमें किसने दिया। अगर सलमान खान की बात की जाए, तो सलमान खान ने यहाँ पर हमें 10 मूवीज हिट दिया और 19 मूवी फ्लॉप दिया। और यहाँ पर अक्षय कुमार की बात करें, तो अक्षय कुमार ने यहाँ पर 4040 फ्लॉप मूवीज रही है उनकी, और 18 हिट मूवीज रही है। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर फ्लॉप मूवीज से देखा जाए, तो यहाँ पर फ्लॉप मूवीज ज्यादा है वहां पर अक्षय कुमार की। तो इसी की वजह से वहां पर एक पॉइंट और जाता है सलमान खान को। तो अब बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट फेमस की, कि सबसे ज्यादा फेमस कौन है। वैसे जितना मैंने रिसर्च किया, तो वहां पर थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिला के तो यही लग रहा था कि सलमान खान ज्यादा फेमस है। बट मैं और मिक्स मीडिया को भी फॉलो करता हूँ, तो वहां पे तो उन्होंने बताया है कि टॉप मोस्ट फेमस, तो वहां पर फोर्थ नंबर पर अक्षय कुमार थे और फिफ्थ नंबर पर सलमान खान। तो अब उन्होंने रिसर्च किया तो भैया वो सही होंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट जाता है अक्षय कुमार को। तो अब बात करते हैं टोटल नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ मैंने रिसर्च किया तो भाई पता चला वहां पर जो सलमान खान की नेटवर्थ है वो है वहां पर 3010 मिलियन, एंड जो अक्षय कुमार की है वो है 3000 मिलियन। तो यहाँ पर कंपेयर किया तो आपको पता ही चल रहा होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट और दिया जाता है सलमान खान को। वैसे देखा जाए ना, अगर सलमान खान पहले इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी पूरी फैमिली इंडस्ट्री में थी, तो उनको थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया था। पर जब अक्षय कुमार आए थे तो भाई उनका कोई फैमिली इंडस्ट्री में नहीं था। पर फिर भी चलो, नेटवर्थ की बात की जा रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हु चार्जेस फॉर वन मूवी। अब वन मूवी की बात की जाए, तो अगर सलमान खान की बात की जाए, तो भाई सलमान खान लेते हैं एक मूवी का 100 करोड़ रुपए। अब हर किसी की अपनी अपनी डिपेंड, अपनी क्वालिटी देखकर, अपनी इमेज देखकर, कि भाई लोग कितने मूवीज देख रहे हैं उन एक्टर की। और अगर यहाँ पर अक्षय कुमार की बात की जाए, तो भैया अक्षय कुमार लेते हैं एक मूवी के 80 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जाता है सलमान खान को। हु इज मोर फिट। अब फिट की बात की जाए, तो वैसे सलमान खान मुझे अच्छे लगते हैं, वैसे बॉडी उनकी अच्छी लगती है, पर मैं फिट का वर्सेस कर रहा हूँ, तो फिट में तो भाई यही है कि अक्षय कुमार ज्यादा फिट है। उन्होंने देखा होगा काफी मूवीज में उनकी जो फिटनेस है वो आपको दिखाई देती है, क्योंकि पर जो सलमान खान है वो आपको थोड़ा मोटा पतला दिखेगा, वैसे कि फिट नहीं लगता। पर जो अक्षय कुमार की बॉडी देखोगे वो पूरा बिल्कुल फिट लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं एक पॉइंट और देता हूँ अक्षय कुमार को। तो चलो अब बात करते हैं फॉलोअर्स की। अगर फॉलोअर्स की बात की जाए, तो सलमान खान के वहां पर ट्विटर पे है 45.5 मिलियन, और यहाँ पर अक्षय कुमार की बात की जाए ट्विटर पे फॉलोअर की, तो वहां पे वो आ रहे 46.5 मिलियन। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जाता है यहाँ पर अक्षय कुमार को। तो बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर की। तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर देखा जाए तो वहां पर सलमान खान के हैं, सलमान खान के वहां पर 69 अबव है, और जो अक्षय कुमार है उनके वहां पर 68 मिलियन है।
तो यहाँ पर सलमान खान को एक और अवार्ड दिया जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाए तो भैया दोनों को दो दो मिला है, तो इक्वल पॉइंट दे देते हैं। और स्क्रीन अवार्ड की बात करें तो भैया सलमान खान को 3 मिले हैं और अक्षय कुमार को 1 मिला है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट सलमान खान को। जी सिने अवार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर अक्षय कुमार को 1 मिला है और सलमान खान को 3, तो यहाँ पर एक पॉइंट और सलमान खान को। अब ईफा अवार्ड की बात की जाए तो वहां पर अक्षय कुमार को 3 मिले हैं और सलमान खान को 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट अक्षय कुमार को जाता है। और अगला अवार्ड है यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड। तो भैया ये बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है एक एक्टर के लिए, वैसे ये अक्षय कुमार को मिल गया है, सलमान खान को अभी तक नहीं मिला है, तो भैया ये पॉइंट भी जाता है अक्षय कुमार को। और एक अवार्ड होता है अलग कंट्री का अवार्ड। अलग कंट्री का अवार्ड की बात की जाए तो वहां पर सलमान खान को 3 और अक्षय कुमार को 1 मिल गया, तो यहाँ पर एक और पॉइंट जाता है सलमान खान को। अब नॉमिनेशन अवार्ड की बात की जाए तो कि नॉमिनेशन किसको किया है कितनी बार, तो यहाँ पर देखा जाए तो अक्षय कुमार को यहाँ पर 46 बार नॉमिनेट कर दिया गया, बल्कि दूसरी तरफ सलमान खान को 76 बार कर दिया गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर जाता है अक्षय कुमार को। मोस्ट हैंडसम, अब मोस्ट हैंडसम की क्या ही बात की जाए, क्योंकि अपना अपना नजरिया सबको देखने का कि कौन किसको कैसा लगता है, तो ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ कि आपको दोनों में से कौन हैंडसम लगता है, ये मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स पे, और जरूर बताना, लिख देना कि आपका कौन फेवरेट है, उसके हिसाब से हम कमेंट में भी वो काउंटिंग करेंगे कि कौन जीतेगा वहां पर। मैंने तो अपनी तरफ से क्वालिटी बता दी, पर जनता का फैसला अंतिम फैसला, तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे कि आपको कौन सबसे ज्यादा हैंडसम लगता है, उसी के हिसाब से हम विनर भी अनाउंस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है, तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।